जालौन के कुरसेंडा में अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन को लेकर कुरसेंडा हरदास बाबा के मंदिर पर शिवपुराण का आयोजन किया गया, जिसकी कलश यात्रा 22 जनवरी को निकाली गई। शिवपुराण कथावाचक कमलाकांत द्विवेदी ने बताया कि हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है कि आज कई वर्षों बाद मुझे इस गांव में कथा कहने का अवसर मिला। उन्होंने कथा का समय 12 बजे से 4 बजे तक का बताया। उन्होंने कहा कि कई वर्षों के बाद जब हमारे पूर्व जन्म के पुण्य उदय होते हैं, तब कहीं हमें शिव पुराण कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। उन्होंने घर घर दीप जलाने और रात्रि में भजन कीर्तन आदि करने का सभी लोगों से आग्रह किया। न्यूज 30 एक्सप्रेस टीवी के लिए योगेंद्र प्रजापति की रिपोर्ट। महाराज आप अपना नाम बताएं और व्यास गद्दी का नाम बताएं। मेरा नाम पंडित कमलाकांत दुबे, मैं महंत मिर्जापुर। ग्राम कुरसेणा में आज कथा का आयोजन किया गया, कितने दिनों कथा चलेगी और क्या कितना की व्यवस्था रहेगी? शिव पुराण के माध्यम से 11 दिन तक कथा चलेगी। आज प्रथम दिन था, कलश यात्रा शोभा यात्रा आज हुई है, गणेश पूजन हुआ, आज से कथा प्रारंभ हो गई है और ये अनवरत एकादश दिवसों तक पूरे 11 दिन तक चलेगी। और हमारे ये सहयोगी हैं भैया, ये औरैया से बिलोंग करते हैं। कथावाच जो परीक्षक जी उनका क्या नाम है और जो करवा रहे हैं उनका क्या नाम है? परीक्षक जी का नाम है देवी कमलेश और हरविंद्र सिंह जी सेंगर, ये परीक्षक जी हैं, इस कथा के राजा बने हुए हैं और प्रथम दर्जे की कथा के श्रोता बनेंगे हमारे। और जो करवा रहे हैं उनका क्या नाम है? ये हरदास जी महाराज हैं और ये राजस्थान में अपने संत बेस में बचपन से ही साधु हैं, तो वो वहीं से यहाँ आकर के उन्होंने अपने शिष्यों के साथ यहाँ ये बड़ा भव्य आयोजन करवाया है और ये आयोजन सफल भी होगा। और कई बार उन्होंने ये आयोजन रखे हैं, आज हमारे माध्यम से ये 5वीं बार ये कार्यक्रम पुनः स्थापित किया गया है और ये 11 दिन तक अनवरत चलेगा।